सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, थर्ड सीजन आ चुका है, सभी बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ हमें देखना है। थैंक यू, आपने ट्रेलर देखा? जी हाँ। कैसा लगा आपको? स्पेशली विद दैट पार्ट जहाँ मैंने मेकिंग में देखा है, आपने वो जो नोट्स के जो बंडल्स है एक साइड में, और आपका वो तो हो गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो तो हो गया। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर दिस सीजन 3, जैसे कि ट्रेलर आ गया है एंड कितने रिस्पॉन्स अब तक आपको फैंस के मिले हैं? आजकल जब सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से ट्वीट्स आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं। सबसे कॉमन कॉमेंट ये है कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग, आई मीन वेटिंग फॉर इट, आई वाज लॉन्गिंग टू सी इट वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ इंडिया के नहीं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनको भी जब मैंने भेजा ये, तब सबका रिएक्शन ये था कि हमें देखना है भाई, तुमने देखा, तुमने देखा? मेरे, मैंने कहा नहीं देखा भाई, जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। नहीं नहीं, तुम तो एक्टर हो ना, उसमें तुमको तो देखने मिलता होगा। मैंने कहा ये फिल्म की तरह इसके ट्रायल्स या रिव्यूज वगैरह नहीं होते, ये वेब सीरीज़ है, इसका एक अपना ढंग अलग है। तो हम भी तभी देखेंगे जब आप लोग देखेंगे, जब 26 मई को ये स्ट्रीम होगा तभी सारा का सारा हमें दिखा, हमने वही देखा जो हमने शूट किया। हाँ। और हमको वही पता है कि वो अभी दूसरी बात ये है कि हमने तो शूट कर लिया, अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। लेकिन मुझे अभी तक के 2 सीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, नगेश कभी ओवर शूट नहीं करता और वेस्टेज नहीं करता, कभी नहीं करता, चूँकि वो खुद भी राइटर हैं तो वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, माप तोल के हर चीज़ करते हैं। एक्टर भी रह चुके हैं, एक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो एक्टर हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं भी कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाना वेब सीरीज, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसमें काम करो। तो तुम क्या, उसने मुझे पूछा क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया तो मैं बदला कैसे लूँ, ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर गिविंग मी सच अ गुड रोल और सच अ कैरेक्टर जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। यू नो, लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा एक गुडी गुडी, एक उस जमाने में जब मैं एक्टर मतलब एडल्टहुड में जब मैं एक्टर बना था, तब बहुतों को मैं अपने घर का लड़का ऐसा महसूस उनको होता था। जैसे तो ऐसी इमेज रखने वाले को आप उसकी इस उम्र में ऐसा कैरेक्टर देते हैं और ऐसा शेड देते हैं कि जो कि लोगों ने नहीं देखा और मैंने किया भी नहीं है, तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन। एक्टर को करने में बहुत मज़ा आता है, अब वो कितना अच्छा करता है कितना नहीं करता है ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है। बहुत मजा आया सर के साथ ही, नहीं सर के बारे में तो मैं बात करूंगा अभी, बट बाकी सारे एक्टर्स के साथ आई थिंक एक फैमिलियरिटी है, कंफर्ट लेवल है, उसके बावजूद हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं हु डोंट स्टॉप सरप्राइजिंग यू कि वो लोग ऐसे सीन में क्या करेंगे। मैं दूसरे इंटरव्यू में भी बता रहा था कि सर के साथ उनको 60 साल हो चुके इंडस्ट्री में, 60 ईयर्स। जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था, एंड व्हेनेवर हम सीन करने बैठते हैं तो उसके पहले 2-4 मिनट बात करने का मौका मिलता है, सीन के बीच में कुछ बात करने का मौका मिलता है। आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम, आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग और द अदर, आई हैव ऑलवेज लर्न और गेन्ड थोड़ा एक्सपीरियंस जो इनका है वो जो शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर के साथ काम करने में। और वैसे ही जैसे हम सीन में अंदर चले जाते हैं तो कुछ कुछ सीन में कभी मेरा पलड़ा भारी होता है कभी इनका, उसमें ही इज़ वेरी ग्रेशियस। थोड़ी झिझक होती है कि मैं ऐसे कैसे करूँगा, ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ, सर को जाके मैं नागेश सर को जाके मैं आहिस्ते से पूछता था सर मैं ऐसे करूँ, तो यू बी लाइक डोंट वरी आप करो, एंड ही वॉज ऑलवेज ग्रेशियस, एंड इंशाल्लाह उनके साथ और काम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने बोला है कि
कभी ना कभी ये मुझे मौका देंगे, तो I'm just reminding. मैं एक चीज और बताना चाहूंगा एजाज के बारे में. एजाज इज एन ए क्लास डांसर, और ये पहलू एजाज का लोगों के सामने नहीं आया. और मैंने भी जाना, जब हम साथ में काम कर रहे थे तभी मैं ये जान पाया ना. देखा तो नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन जब एक एक बातें मैंने, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ अपने को, अपने साथ जो काम कर रहे हैं वो, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या यू नो जानकारी होती है, तब मुझे पता चला इस एस्पेक्ट के बारे में. तब से मैंने दिमाग में ये चीज़ रखी है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर एजाज के बारे में सोचूंगा जिसमें कि उसकी ये एबिलिटी है, उसकी उसका ये टैलेंट लोगों के सामने है. I'm waiting.